सभी फ्रेंड का वेलकम करते हैं एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, नया साल शुरू हो चुका है, आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुर्गा कलगी फ्लावर पे। दोस्तों, इस नाम से इस फ्लावर को जाना जाता है क्योंकि ये मुर्गा कलगी की तरह ही दिखता है। देखिए मेरा फ्लावर प्लांट का कितना खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, अब इसके बात करते हैं हम इसके सीड को कैसे कलेक्ट करें। दोस्तों, इस फ्लावर का इतना अच्छा जो कलर है, इस फ्लावर को हम दोबारा लगा सकें। दोस्तों, सर्दियां बहुत होने के कारण इसके देख सकते हैं नीचे के पत्ते ड्राई हो गए हैं, पर हमारे फ्लावर बहुत ही ब्यूटीफुल कलर में खिला हुआ है। तो दोस्तों, ये रेड कलर है, बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है। बस ये कोहरे के कारण हमारा प्लांट जो है कि ख़राब होने लग गया है। तो कुछ नहीं, अभी भी ये फ्लावर ऐसे ही खिलते रहेंगे। बस इसके पत्तों पे ज़्यादा ठंडी होने के कारण इसके पत्ते जो है ड्राई हो गए हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके सीड को हम कैसे सेव करें नेक्स्ट सीजन के लिए। तो देखिए, इसके सीड कहाँ मिलते हैं। अगर आपको ये प्लांट कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मिल जाता है तो आप इसके सीड को ऐसे कलेक्ट करें। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके सीड हम कैसे निकालें। ये जो नीचे का आप देख रहे हैं, ये साइड यहीं पे इसके सीड रहते हैं। आप इसको हल्के से भी अगर प्रेस करेंगे तो इसके सीड जो हैं कि बाहर आ जाएंगे। देखिए, मैं एक कली तोड़ता हूँ और आप देख सकते हैं इसमें, इसको हल्का सा रफ़ करेंगे तो ऐसे देखिए ब्लैक ब्लैक से सीड बहुत सारे मिलेंगे। एक फ्लावर में कम से कम आपको 100 से 150 सीड मिल जाएंगे। तो एक बार अगर ये प्लांट आप अपने बगीचे या गार्डन में लगा लेते हैं तो फिर ये आपको फ्लावर देता रहेगा ऑटोमेटिकली। जब इसका सीजन आता है तो ये खुद ग्रो हो जाएंगे। देख सकते हैं इसके ब्लैक ब्लैक से सीड हैं। और अगर आप टेरेस गार्डन है तो फिर आप इनको रख लीजिए और जैसे ही जुलाई का समय आए तो आप फिर से ग्रो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। दोस्तों, इसका ऐसा फ्लावर लग रहा है जैसे एक कपड़े का हो। एक कपड़ा आता है जिसे वेलवेट कहते हैं, उसी तरह का फ्लावर लगता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।